आज इस वीडियो में बात करते हैं रिवर्सल ड्रग्स न्यूस्टिगमिन के बारे में न्यूस्टिगमिन इंजेक्शन क्या है न्यूस्टिगमिन एक रिवर्सल ड्रग है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है ओ के अंदर पेशेंट्स को आपके मसल्स रिलैक्सेंट के इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है यानी कि आप अपने पेशेंट्स को जब रिवर्स करते हैं तब तो ये ड्रग्स देते हैं जो इसकी डोज होती है वो जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर से जीरो पॉइंट जीरो, जीरो एट एम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है द इफेक्ट स्टार्ट इन फाइव टू टेन मिनट्स इसका इफेक्ट पाँच से दस मिनट में शुरू हो जाता है साइन ऑफ एडिक्वेट रिवर्सल यानी कि आपके पेशेंट्स के क्या क्या साइंस आपको नजर आने चाहिए जब आपको इसे यूज करना है फर्स्ट रेगुलर एस्पिरेशन विद एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम आपका पेशेंट प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम जो आपने दिया हुआ उसके हिसाब से सांस ले रहा हो स्पॉन्टेनियस लिब मूवमेंट आपके पेशेंट के लिम्स की मूवमेंट स्पॉन्टेनियस हो स्पॉन्टेनियस आइज ओपनिंग आपका पेशेंट आपके कहने पे अपनी आंखें खोल के आपको दिखा रहा हो और जब आप पेशेंट को बोल रहे हो कि अपनी जीभ दिखाइए तब पेशेंट आपको अपनी जीभ बाहर निकाल के दिखा रहा हो रिकवरी ऑफ द अपर एयर वे रिफ्लेक्स लाइक स्वेलिंग एंड कफ आपके कहने पे, पे पेशेंट अपना मुंह खोल के दिखा रहा हो खांस रहा हो और स्वेलो कर रहा हो तब आपको अपने पेशेंट को रिवर्सल देना चाहिए एंड एबल टू फिट हैंड एंड हेड फॉर मोर देन फाइव सेकेंड यानी कि आपके कहने पे वो अपना हाथ भी उठाए और अपने सर को भी पाँच मिनट तक के लिए उठा के रखें साइन ऑफ इनएडिकेट रिवर्सल इनडिकेट डोज ऑफ न्योस्टिगमिन यानी कि आपने प्रॉपर न्योस्टिगमिन को लोड ना किया हो ओवर डोज हो आपके मसल मसलेंट की और एनेस्थेटिक एजेंट की ओवर डोज तो आपको तब भी जल्दी से रिवर्सल नहीं देना है रीनल फेलियर हो हेपेटिक फेलियर हो आपका पेशेंट हाइपोथर्मिया हो या आपके पेशेंट को हाइपोथाइडिज्म की डिजीज हो या आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो या आपके पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो इन ऐसी किसी भी कंडीशंस में आपको प्रॉपर वेट करना है जब आपका पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ करने लगे तब आपको पेशेंट को रिवर्स करने के लिए अपने माओपारलाइट इंजेक्शन यानी कि रिवर्सल न्योस्टिगमिन को आपको यूज करना होता है उससे पहले कभी भी आप अपने पेशेंट को ये ड्रग ऐसे ना दें प्रॉपर अपने पेशेंट को वॉच करें व एनेस्थीसिया मशीन पे उसकी स्पॉन्टीनियस ब्रीथिंग को वॉच करें टेंडल वॉल्यूम को वॉच करें आप देखें कि वो प्रॉपर ब्रीथ करने लगाए तभी आप इस ड्रग को यूज करें नहीं तो आपका पेशेंट प्रॉपर आएगा भी नहीं और आपको ज्यादा मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी ये ईच एम एल कंटेन करता है ग्लाइकोपाइलाइट जीरो पॉइंट टू एम जी न्यूस्टिगमिन टू पॉइंट फाइव एम जी इसको स्टोर करते हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इंट्राविनियसली आई भी यूज करते हैं इसको केवल